बिग बॉस मराठी विनर और बिग बॉस सीजन 16 के फर्स्ट रनर अप रहे शिव ठाकरे ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्पेशल वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शिव ठाकरे अपने फैंस के भेजे हुए गिफ्ट्स को अनबॉक्स कर रहे हैं। जो भी लेटर्स फैन की तरफ से आए हैं उनको पढ़ते हैं और अपने फैंस के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। शिव ठाकरे को हाल ही में पुणे में भी एक इवेंट में इन्वाइट किया गया था, जहां अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शिव ठाकरे ने एक बार फिर से फैंस का दिल जीत लिया। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि हाल ही में शिव ठाकरे ने अपने इंस्टा हैंडल पर मराठी दिवस के उपलक्ष्य में एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में वो कॉन्टेंट क्रिएटर रूही दोसानी के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद लोगों ने उनकी काफी तारीफ की थी। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दे कि शिव ठाकरे डांस एकेडमी भी चलाते थे और डांस का शौक रखते हैं, जिसके चलते उन्होंने रूही दोसानी के साथ ये वीडियो बनाया और उनके डांस की काफी तारीफ हुई। शिव ठाकरे जो बिग बॉस सीजन 16 में बोलते थे आपला मराठी मानूस, उन्होंने अच्छे से मराठी दिवस को सेलिब्रेट किया और अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट भी किया। शिव ठाकरे अपने इंस्टा हैंडल पर काफी एक्टिव रहते हैं, वो आए दिन कोई नया रील वीडियो या फोटो अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं और उनके फैंस उनको डाउन टू अर्थ बताते हैं और साथ ही काफी तारीफ भी करते हैं। बिग बॉस सीजन 16 के टॉप 2 में जाने का रीजन उनके फैंस ही रहे। उनके फैंस ने डे 1 से उनको काफी अच्छा सपोर्ट किया। इनफैक्ट जब लाइव ऑडियंस बिग बॉस सीजन 16 के घर में आई थी तो उन्होंने आते ही शिव शिव चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। शिव हर बार बोलते थे कि वो उनमें से ही एक हैं। वो कॉमन मैन होते हुए भी बिग बॉस सीजन 16 तक पहुंचे अपनी मेहनत के बलबूते पर और अपने फैंस के प्यार पर। तो वहीं उसके बाद में उनके फैंस ने उनको काफी सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया। हालांकि कुछ लोग खुश नहीं थे कि एमसी स्टैन ने बिग बॉस सीजन 16 की ट्रॉफी जीती, लेकिन शिव ठाकरे काफी खुश थे क्योंकि एमसी स्टैन और शिव ठाकरे की बिग बॉस के घर में एक अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे, जिसके बाद शिव ठाकरे ने कई सारे इंटरव्यूज में ये बात शेयर की एमसी स्टैन अगर बिग बॉस सीजन 16 की ट्रॉफी जीता है तो इसलिए क्योंकि वो काफी रियल रहा और मैं नहीं जीता, लेकिन मंडली में से कोई जीता तो इसमें कोई घाटा नहीं हुआ। फिर शिव ठाकरे ने अपने फैंस के भेजे गए गिफ्ट्स के बारे में एक छोटा सा प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, गाइज आई एम कम्प्लीटली ओवरवेलम्ड विद योर लव, यू ऑल आर माई फैमिली, आई हैव रेड ऑल दोज लेटर्स एंड लव द फ्रेम्स, कांट थैंक यू इनफ फॉर वॉट एवर यू डू, यू गाइज मेक मी हैप्पी एवरी टाइम, couldn't mention everyone on this story, but you guys know that I love you. इसी के साथ शिव ठाकरे ने बिग बॉस में कई बार ये बात शेयर भी की कि उनके फैंस के सपोर्ट की वजह से ही वो बिग बॉस हिंदी तक पहुंच पाए, क्योंकि बिग बॉस मराठी में उनको सिर्फ मराठी वाले लोग जानते थे, महाराष्ट्र के लोग जानते थे, लेकिन बिग बॉस हिंदी में आने के बाद उनको पूरा इंडिया और इंडिया के बाहर भी लोग जानते हैं। तो बिग बॉस हिंदी में आना उनका सपना था, जो कि पूरा भी हुआ। और उनके फैंस उनको कितना प्यार करते हैं ये तो ऑलरेडी हमने इस वीडियो में देख लिया है, तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बिग बॉस सीजन 16 में आपको शिव ठाकरे का परफॉर्मेंस कैसा लगा। इसी के साथ टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा।